नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल गार्डन किंग में। दोस्तों, आपके लिए मैं काफ़ी शानदार और मतलब कि इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाया हूँ कि आपके हेल्प वाली वीडियो लेकर आया हूँ। और दोस्तों, इस वीडियो को आप प्लीज़ पूरा देखना। दोस्तों, मेरा कुछ नहीं जाएगा अगर आप इस वीडियो को स्किप कर करके देखोगे तो, पर दोस्तों आपका प्लांट मतलब कि जल्दी से ख़राब भी हो सकता है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ कि फंगस प्लांट पर क्यों लगते हैं और कैसे लगते हैं और उनका जो रोकथाम है मतलब उनको कैसे रोकें, तो ये सभी चीज़ें आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ। दोस्तों, तो इस वीडियो को दोस्तों पूरा देखना और पसंद आए तो लाइक कर देना, और दोस्तों चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब कर लेना और पास में बेल आइकन को भी ज़रूर से दबा देना, ताकि कल वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको ज़रूर मिलेगा। थैंक यू दोस्तों, इस वीडियो को करते हैं आज शुरू। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि ये जो फंगस जो लगते हैं वो कैसे लगते हैं और ये किस प्रकार से आपके प्लांट के पास में आते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, ये इस प्रकार से आते हैं कि अगर आपके प्लांट के पास में अगर बरसात का पानी इकट्ठा है और काफ़ी दिनों तक वो रह चुका है, तो फिर क्या होता है कि प्लांट की रूट मतलब कि धीरे धीरे से नीचे से गलने लग जाती हैं, और फिर उसको मतलब आप फंगस बोल सकते हो, जितनी कि मतलब कि रूट उसकी ख़राब हो जाती है, तो फिर आपका प्लांट ख़राब हो जाता है। और दोस्तों, दूसरे नंबर पर आपके प्लांट के आसपास में कहीं भी मतलब अगर दीमक लग चुकी है, तो फिर भी आपका प्लांट वैसे ख़राब हो जाएगा। दोस्तों, दीमक के साथ साथ ही बहुत सारे मतलब कि ऐसे जानवर होते हैं जो आपके प्लांट के अंदर मतलब कि छेद वगैरह कर देते हैं, तो फिर आपका प्लांट वैसे धीरे धीरे ख़त्म होने लग जाता है, जैसे कि वो मतलब कि सूखने लग जाता है। उस पेड़ की जो छाल होती है ऊपर की, जो इसकी लहर होती है जिसमें मतलब कि इसका रस वगैरह रहता है, तो अगर वो ख़राब हो जाती है, तो फिर आपका प्लांट मतलब कि इसके सर के ऊपर से मतलब कि सर वाली जो इसका स्पेस जो होता है, जहाँ पर इसका मुँह होता है प्लांट का, वहाँ से ये मतलब कि ख़राब होने लग जाता है। तो दोस्तों, इसको रोकने के लिए आपको क्या क्या करना होगा और इसको आप कैसे रोक सकते हो, तो इसी टॉपिक पर आज अपना वीडियो है दोस्तों, तो इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि अगर आपके गमले के अंदर प्लांट है और वो सूखने लग गया यानी कि ख़राब होने लग गया, तो आपको क्या करना है, उस प्लांट की आपको मिट्टी चेंज करनी है। सबसे पहला काम यही करना है आपको, उस प्लांट की आपको मिट्टी को चेंज कर देनी है। और दोस्तों, ये जो मिट्टी चेंज करने के लिए मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि दोस्तों, उस मिट्टी के अंदर आपने फर्टिलाइज़र कितनी बार डाला होगा और उसमें न जाने कौन कौन सी चीज़ें आपने इस्तेमाल करी होगी, तो फिर वो मिट्टी मतलब कि उसमें इतनी पावर नहीं रहती है कि वो प्लांट को मतलब कि हरा भरा रख सके, तो इसलिए आपको मिट्टी चेंज करनी होगी। तो ये देख सकते हो दोस्तों, मेरे पास एक मिट्टी का मतलब कि मैंने ये पूरा तैयार कर रखा है कि इसमें 50% दोस्तों मैंने मिट्टी ले रखी है, जो गार्डन सोइल है तो वो ले रखी है, और इसमें 20% मैंने केवल नीम की जो खली होती है जो ले रखी है, और उसी के साथ साथ ही मैंने दोस्तों इसमें फर्टिलाइज़र जो ऐड कर रहा हूँ तो वो देसी गोबर का खाद है। अगर ये है आपके पास तो बहुत अच्छा है, अगर ये आपके पास में नहीं है दोस्तों तो मार्केट में कहीं पर भी आपको अच्छी तरीके से मिल जाएगा, और वो सबसे बढ़िया वाला खाद है मतलब कि ऑर्गेनिक है, वो भी वर्मी कंपोस्ट का आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हो। और दोस्तों, एक ये बोतल आपको ज़रूर लानी है आपके सभी प्लांटों के लिए, मैं बता रहा हूँ, वेजिटेबल प्लांट ले लो, फ्रूट वाले प्लांट और फ्लावर वाले प्लांट, परमानेंट प्लांट, ये सभी प्लांटों के लिए काम करती है, और ये 100% ओरिजिनल है क्योंकि दोस्तों इसमें केवल नीम ऑयल आता है और कुछ नहीं आता है। आपको गमले के अंदर नीम की खली डाल देनी है और इसका ऊपर जो स्प्रे करना है दोस्तों, तो आपको इस चीज़ का स्प्रे कर लेना है, नीम ऑयल इसका नाम है दोस्तों, ये वाली बोतल लेकर आनी है और इसका आपको स्प्रे करना है। आपके जितने भी प्लांट है तो उन सब पर आपको स्प्रे कर देना है। और दोस्तों, इसी के साथ साथ ही आपको क्या करना है कि इसमें फर्टिलाइज़र वगैरह ऐड करते रहना है टाइम पे, और इसके साथ साथ ही आपको मतलब जितनी ज़्यादा आप प्लांटों की खुदाई करोगे तो उतना ही मतलब कि फंगस लगने के कम चांसेस हो जाते हैं, क्योंकि दोस्तों इसकी जो रूट होती है तो उनको भी मतलब कि हवा की ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो उससे हवा मिल जाएगी। और इसी के साथ साथ ही दोस्तों, आपने ये सब काम कर दिया तो फिर आपके जितने भी गमले में हो, चाहे प्लांट या आउटडोर हो, उन सभी प्लांटों को मतलब कि अच्छे तरीके से सनलाइट मिल जाए, ऐसी जगह पर आप सभी प्लांटों को मतलब यानी कि गमले वाले को रख सकते हो। बाकी दोस्तों, आपके जितने भी प्लांट है ऐसी जगह पर लगाना चाहिए जहाँ पर उन सभी प्लांटों को अच्छी तरीके से सनलाइट मिलनी चाहिए, तो उससे क्या होता है कि दोस्तों आपके जो फंगस वगैरह लगने की जो प्रॉब्लम होती है, तो अगर बारिश का पानी ज़्यादा गीला रहता है तो वो मतलब जल्दी से मतलब कि ये जो सनलाइट की वजह से सूख जाता है।
और दोस्तों जितने भी आप प्लांटों के अंदर मतलब कि साफ़ सफाई और मतलब कि अच्छी तरीके से उनको रखोगे तो उतना ही मतलब कि आपके फंगस लगने के कम चांसेस हो जाते हैं। और दोस्तों बारिश का पानी वगैरह अगर आपके प्लांटों के अंदर भरा हुआ है तो उसको प्लीज़ ज़रूर से बाहर निकाल दीजिए, क्योंकि दोस्तों उसी पानी के अंदर मतलब कि कीड़े वगैरह होते हैं जो उसी पानी के अंदर आते हैं, तो वही आपके प्लांटों को सबसे ज़्यादा ख़राब करते हैं। और दोस्तों मैंने ऐसा कोई भी प्लांट नहीं है अभी तक जिस पर फंगस लग चुका है, क्योंकि दोस्तों मैं सबसे पहले बारिश का पानी नहीं तो रोकता हूँ नहीं कुछ करता हूँ, और सबसे पहले मैं इसमें नीम ऑयल का, इन सभी चीज़ों का और फर्टिलाइज़र का टाइम पे यूज़ करता हूँ, तो मतलब कि फंगस लगने का कोई चांसेस नहीं है। तो ये वाली बोतल है दोस्तों, एक बार मैं फिर से दिखा देता हूँ कि नीम ऑयल आपको प्लांटों पर ज़रूर से अप्लाई करना है। इससे क्या होता है कि जो मकड़ियाँ वगैरह जो होती है जो जाले तन देती हैं प्लांटों के ऊपर, तो वो भी नहीं आएगी और मिकोड़े भी नहीं आएंगे और कीट पतंगे कुछ भी नहीं आएंगे। इस वाली बोतल का ज़रूर से आपको इस्तेमाल करना है। तो थैंक यू दोस्तों, आज की वीडियो में इतना सही। और दोस्तों आप वीडियो तो देखते हो पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो, तो दोस्तों ऐसी कंजूसी बिल्कुल नहीं करनी है आपको, ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब करना है और साथ में ही उसके घंटे वाले आइकन को भी ज़रूर से दबाना है, ताकि कल जो मैं नई वीडियो डालूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको ज़रूर मिलेगा। तो थैंक यू दोस्तों, आज की वीडियो में इतना सही, मिलते हैं कल की न्यू वीडियो के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, टाटा, बाय बाय, टेक केयर।